ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम गोटे यूनिक क्लास करिबा जोंटा की सेंटेंस उपरे। प्रथम हम जानिबा सेंटेंस को कौन मेथड रे हम तैयारी करिबा, बुझियला? विदाउट टेंस एवं टेंस अनुजाई, विदाउट टेंस एवं टेंस अनुजाई। जेते बेला हम छोट पिला को क्लास करूछु तो से माने टेंस कोन जानि नहांती, एवं जे माने हाई स्कूल लेवल रे पिला तो ताकू हमें टेंस सिखाउछु। विदाउट टेंस और टेंस अनुजाई कोन आज हमें ताहा जानिबा। प्रथमे हमें जानिबा सेंटेंस कोन। तो देखो सेंटेंस, सेंटेंस कोन ना ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिव ए मीनिंगफुल सेंस, मींस ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिव ए मीनिंगफुल सेंस एंड मेक विथ प्रॉपर अरेंज। जो प्रॉपर अरेंज टी एकाधिक शब्द रो समाहार रे संपूर्ण अर्थ प्रकाश करूथले एवं सेटा तयारी होतिबो कोन ना प्रॉपर अरेंज। तो प्रॉपर अरेंज रो सिंटैक्स कोन, सेंटेंस रो अर्थ कोन ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। हाँ कि ना सेंटेंस। तो सेंटेंस को हमें दुई भाग रे विभक्त करी छु, कोन गुटी होछु कोन ना अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टेंस एवं आउटी कोन विदाउट टेंस, विदाउट टेंस, विदाउट टेंस। टेंस अकॉर्डिंग टेंस एवं विदाउट टेंस मींस टेंस अनुजाई एवं टेंस बिना। अर्थात जेमिति टेंस अनुजाई आमे जतबेले पढुचे टेंस अनुजाई एवं आउटे कोन टेंस बिना, टेंस बिना। तो टेंस अनुजाई आमे टेंस इज इक्वल टू कोन, टेंस इज इक्वल टू कोन ना टेंस इज इक्वल टू होचु कोन ना एक्शन, एक्शन ऑफ ए भार, गुटिए भार प्रो एक्शन को हमें कौन कहूँ चे टेंस कहूँ चे। हाँ कि ना भार प्रो कहते टी एक्शन भी वन भी टू भी थ्री भी फोर एवं भी फाइव। हमें जो भी वन एवं भी फाइव हमें गुटिए तक प्रेजेंट टेंस रे रखूँ चे एवं भी टू गुटिए टेंस, भी थ्री गुटिए टेंस, भी फोर गुटिए टेंस। हाँ कि ना। तो देखो भी वन एवं भी फाइव ये होचु कौन, V1 एवं V5 ये गुटिए टेंस एवं V2 गुटिए टेंस, V3 गुटिए टेंस, V4 गुटिए टेंस। जेते हमे V1 करूचे सपोज गो, गो नली सपोज भार टी को नली ना गो, तो आई गो। जेते V2 नली आई वेंट, आई वेंट। जेते V3 लेखिले अर्थात गो वेंट गो ना V3, आई हैव गन बा आई हैड गन, आई हैव गन बा आई हैड गन। जेतबेले भी फोर लिखिली अर्थात आई एम बा आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग बा, बुझियला ना। आई एम हुज प्रेजेंट रे एवं आई वाज हुज पास्ट रे भी फोर। तो ये हुज भी फोर, ये हुज भी थ्री, ये हुज भी टू, ये हुज भी वन। भी फाइव केतबेले लागुचे ना ही गोज, he goes। जेते बेले एक्शन वर्ड आसीबो माने सी होचु टेंस अनुजाई, बुझियाला? जेते बेले एक्शन वर्ड आसीबो माने सेते बेले टेंस अनुजाई, अर्थात से सेंटेंस टी कोनोसी गुटे टेंस रे अछि। जेते बेले आमे विदाउट टेंस करूचे तो ये दुई भाग रे विभक्त करिछु विदाउट टेंस को, कोन ना गुटे स्टेटिव एवं ओनरशिप, स्टेटिव एवं होचु ओनरशिप। ए स्टेटिव कौन अवस्थागत अधिकार, तो स्टेटिव रो अर्थ होची अवस्थागत, ओनरशिप होची कौन ना अधिकार। तो अवस्थागत कौन एवं अधिकार कौन विदाउट टेंस, ए माने टेंस रो कोनसी रूप को नियंति नाही एवं हम जदी विदाउट टेंस। तेन हम जते बेले छोट पिला को पढोचे प्रथम हम विदाउट टेंस रे सिखिबा, ता परे हम स्कूल लेवल को आसिले हम हाई स्कूल लेवल को आसिले हमें कौन करिबा ना टेंस अनुजाई हमें पढ़िबा। तो विदाउट टेंस रे स्टेटिव रो अर्थ एवं ओनरशिप रो अर्थ कौन आज हमें बुझिबा। स्टेटिव रो अर्थ स्टेटिव भाग माने एम इज आर, यू जो प्रेजेंट स्टेटिव एंड वाज वी आर, यू जो पास्ट स्टेटिव
एवं अधिकार हूँ कौन ना has, have and had, had हूँ पार्ट अधिकार बुझे ला? तो देख मुझे आई एम मुझे आई एम तो आई एम ए बोय आई एम ए बोय मुझे बाड़क बुझे ला? तो मुझे आई वाज ए टीचर ये कौनसी एक्शन वर्ड नहीं एठारे ए मेजर ए माने उचंती भार सेंटेंस होबा पई सब्जेक्ट एवं भार नियाती दरकार तो केते बेले भार होचू तो ए माने जते बे आसुची तो V1 एवं V5 एक्शन वर्ड V2 मध्ये एक्शन वर्ड भित्री V पर जते आसुची तो ए माने सते बेले हेल्पिंग भार रे जाउचंती एवं ए माने सब बेले मेन भार होचंती तो टेंस आसीबो माने आमे मेन भार नोबा विदाउट टेंस रो अर्थ आमे मेन भार के मानको नबो माने सेटी एक्शन वर्ड नाही एक्शन वर्ड इज इक्वल टू टेंस टेंस रो एक्शन भार रो एक्शन तो ताको हम टेंस बोली बुझीबा तो विदाउट एक्शन हमें कोन ना स्टेटिव एवं ओनरशिप विदाउट एक्शन हम स्टेटिव एवं ओनरशिप को रखेबा तो स्टेटिव अर्थ मु अटे आई एम मु कह द स्काई लुक्स नाइस द स्काई लुक्स नाइस आकाश बहुत सुंदर देखा जाए तो ये होचु कोन ना स्टेटिव बुझीला द स्काई इज क्लियर मुलाकिबी देखो द स्काई इज क्लियर द स्काई इज क्लियर ये द स्काई के स्काई इज क्लियर सी कोन करूचे ना क्लियर ही सीम्स इल सी सीम्स इल से असुस्थ देखा जाए सी लुक्स ब्यूटीफुल से कौन सुंदर देखा जाए अर्थात ये हूँ कौन ना स्टेटिव ये हूँ अवस्था का तो प्रेजेंट रो अवस्था पास्ट रो अवस्था आई एम ए टीचर आई वाज ए डॉक्टर ही इज ए टीचर ही वाज ए डॉक्टर दे आर स्टूडेंट्स दे आर कौन प्लेयर्स बुझेला से माने बे स्टूडेंट्स से माने दे उया से माने थिले खिलाड़ी बुझेला तो ये हूँ पास्ट रो अवस्था अवस्थागत ओनरशिप कहले कौन हैव हैज हैड आई हैव ए कार आई हैव ए कार आई हैव ए कार आई हैड ए कार बुझेला हैव के कि लागुछु ना प्लुरल पाकरे प्रेजेंट रे हैज के कि लागुछु ही हैज ए कार ही हैज ए कार अर्थात ही सी इट एमान को पाकरे हैज लागुछि आई वी यू दे एमान को पाकरे हैव लागुछ प्लुरल अर्थ रे हैव एवं सिंगुलर अर्थ रे हैज एवं हेड कोन ना पास्ट अतीत ओनरशिप अधिकार बुझियला ताहले आमे जतले सेंटेंस पढुचे गुटे होचु अकॉर्डिंग टेंस एवं विदाउट टेंस अकॉर्डिंग टेंस मींस टेंस अनुजाई टेंस रो अर्थ एक्शन ऑफ ए भार विदाउट टेंस अर्थ टेंस बिना गुटे होचु स्टेटिव एवं गुटे होचु ओनरशिप गुटे स्टेटिव अवस्थागत एवं अधिकार एमानकर कोनोसी एक्शन रो परिवर्तन हुए नाही बुझेला एमाने केवल सब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करंती सब्जेक्ट अनुजाई एमाने परिवर्तन होंती किंतु एमानकर कोन ना एमाने निजे परिवर्तन होई पारंती अर्थात एमाने हेल्पिंग भाव अनुजाई परिवर्तन होंती बुझेला एमाने विदाउट हेल्पिंग भाव रे एमाने निजे ही मेन भाव रे काम करंती तेनु एमानकु कोन कहबा विदाउट टेंस स्टेटिव एवं ओनरशिप बुझेला ओके लेट इट नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़ीबू तो देखो